दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 19 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को शेयर जरूर करना और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 300, जल्दी से कंप्लीट करवा दो क्योंकि आगे की एपिसोड के लिए। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होता है जहां हुआ युहाओ काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो फूट फूट के रोने लगा था। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम हुआ युहाओ और स्काई ड्रीम को एक साथ देखते हैं, जहां हुआ युहाओ को इतना ज्यादा इमोशनल होता देखकर स्काई ड्रीम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिस पर वो हुआ युहाओ को समझाते हुए कहता है, हुआ युहाओ मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला, और वही मैं तुमसे इसलिए झूठ बोला कि मुझे तुम पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं था और मुझे नहीं पता था कि अगर तुम्हें सच्चाई पता होती तो तुम मेरे साथ आते, इसीलिए मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दो। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये चीज तुम्हें इतनी ज्यादा हट करेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस वजह से मुझे धोखेबाज नहीं समझोगे। साथ में हुआ युहाओ, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आइस एम्परर के साथ हमेशा साथ में रहना चाहता हूँ और वही मैं इस दुनिया के अंदर काफी ज्यादा लंबे समय से हूँ और इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जिसे मैं प्यार करता हूँ और वह आइस एम्परर है। लेकिन जैसा कि उसने कहा कि मैं एक निकम्मा हूँ, जबकि वह इस लैंड की किंग्स में से एक है और जब मैंने उसे पहली बार देखा तब वह 2 लाख ईयर की थी, तब मैं तुरंत ही उसके प्यार में गिर गया और मैं तुम्हें जल्दबाजी में इस जगह इसलिए लाया क्योंकि मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे डर था कि वह ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी और उसके बिना तो मैं इस दुनिया को सोच भी नहीं सकता हूँ और मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं उसका हमेशा पीछा करता रहूंगा और मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मेरी जिंदगी उसके साथ ही हो और किसे परवाह हो अगर वो मुझे हर रोज इंसल्ट भी करती है और जब तक कि मैं उसकी आवाज को सुन सकता हूँ तब तक मेरे लिए उतना ही काफी है। हुआ युहाओ क्या तुम समझ गए यही प्यार है? इनकी यह सब बात सुनकर हुआ युहाओ कहता है, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? अगर कुछ हो जाता तो? इस पर स्काई ड्रीम कहता है, ऐसा नहीं होता, यह मेरा होम टाउन है और मैं इसे अच्छी तरीके से समझता हूँ और मेरी अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से किसी भी चीज को संभाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता भी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा क्योंकि हम दोनों ही एक है और अगर हम में से कोई एक भी हट होता है तो दूसरा भी जरूर होता है और मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करूंगा और यहाँ तक कि बिना आइस एम्परर के मैं तुम्हें इस जगह इसलिए लेके आया क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी एबिलिटी को पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। इधर इस चीज को सुनते ही हुआ युहाओ थोड़ा सा हैरान होते हुए मन में कहता है, यह क्या है और यह कैसी फीलिंग मेरे दिल में है? और वह दुख निराशा धीरे धीरे गायब हो रही है और फिर हुआ युहाओ कहता है, स्काई ड्रीम ब्रदर, मैं कुछ ज्यादा ही कमजोर हूँ। ये सुनकर स्काई ड्रीम कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसा तुम्हारे पालन पोषण की वजह से है और तुम सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करते हो और जरूरत से ज्यादा भरोसा करने पर तुम अपने आप को खो दोगे और तुम सिर्फ तुम हो और मैं सिर्फ एक स्पिरिट रिंग हूँ। जिसके बाद वो हुआ युहाओ से पूछता है, और बताओ कि मैं किसकी स्पिरिट रिंग हूँ? इस पर हुआ युहाओ कहता है, तुम मेरी स्पिरिट रिंग हो। तो स्काई ड्रीम कहता है, बिल्कुल सही, मैं तुम्हारा स्पिरिट रिंग हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, ना कि तुम मेरे हिस्से हो, ये बात हमेशा याद रखना और मुझे उम्मीद है कि तुम इस बारे में मैं अच्छे से सोचोगे और अगर तुम इस बारे में अच्छे से सोच सकते हो तो तुम्हारे सारे डाउट्स गायब हो जाएंगे और तुम्हें ये जानने की भी जरूरत है कि तुम होस्ट हो और तुम ही कंट्रोल में हो जो कि सब कुछ कंट्रोल करेगा। इधर हुआ युहाओ स्काई ड्रीम के इन सभी बातों को सुन के काफी हैरान होता है और यह कहता है, तो ये सब कुछ इस तरीके से है, तो ये सारी मेरी ही गलती है। और फिर हम हुआ युहाओ को ट्रैप्स में फंसा हुआ देखते हैं और यह अपने आप को उस ट्रैप्स छुड़वाता है और कहता है कि मुझे अपने पास्ट की वजह से सैड नहीं होना चाहिए और मुझे अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है और मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है क्योंकि मैं कंट्रोल में हूँ, तो मुझे अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। तब हम देखते हैं हुआ युहाओ अपने आप को उन ट्रैप्स से आजाद कर लेता है, जिसके बाद वो खुश होते हुए कहता है, सिर्फ तब ही मैं उन तारों तक पहुंच पाऊंगा जब मैं अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखूंगा। और फिर हुआ युहाओ खुश होते हुए स्काई ड्रीम को धन्यवाद कहता है और कहता है कि मैं समझ गया, जिस पर स्काई ड्रीम भी थोड़ा संतुष्ट होता है और कहता है कि इसी एक्सप्रेशन को देखने के लिए मैं इंतजार कर रहा था और तुम मेरे होस्ट हो। और फिर हुआ युहाओ कहता है, मैं सच में आइस स्कॉर्पियन की क्लैन जानना चाहता हूँ। तो इस पर स्काई ड्रीम कहता है, नहीं, आइस एम्परर का क्लैन काफी जल्द ही यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द किसी और सुरक्षित जगह पहुंचाने की जरूरत है। और इस तरफ ये ग्रे बॉल सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और यह मन में कहता है, ये रिजल्ट इतना भी बुरा नहीं है और इसमें थोड़ी सी तो ग्रोथ हुई है और अब इस वॉर्म के अंदर एक अलग ही चमक है। हम देखते हैं कि ग्रे बॉल हुआ युहाओ को ट्रेनिंग करने के तरीके के बारे में सोचता है,
जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआ युहाओ और स्काई ड्रीम उस गड्ढे से बाहर आ जाते हैं। तब स्काई ड्रीम हुआ युहाओ को यहाँ से चलने के लिए कहता है, जिस पर हम देखते हैं कि हुआ युहाओ भी काफी ज्यादा तेजी से यहाँ से काफी दूर जाने लगता है और हुआ युहाओ यहाँ से सेफली निकलने के लिए अपनी पूरा जोर लगाकर भाग रहा होता है और यह सीधे 14 आवर्स तक भागता है, वह भी बिना खाए और बिना सोए। लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से खतरे से काफी दूर निकल ही आता है, जिसके कुछ समय बाद हम हुआ युहाओ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थक चुका था भागने की वजह से। तब ये कहता है, बस इतना ही, मैं और ज्यादा नहीं भाग सकता हूँ, मैं सच में काफी ज्यादा थक गया हूँ। तो स्काई ड्रीम खुश होते हुए कहता है, बढ़िया, असल में हम कुछ समय पहले ही सिर्फ जगह पर पहुँच गए हैं। इधर इस चीज को सुनते ही हुआ युहाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है और यह कहता है कि यह तो बढ़िया है और आखिरकार अब मैं थोड़ा सा तो रेस्ट कर सकता हूँ। ये कहते ही हुआ युहाओ वहीं पर सोने लगता है, लेकिन तभी स्काई ड्रीम चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, तुम अभी सो नहीं सकते हो क्योंकि यह समय असली टेस्ट का है। तो इस पर हुआ युहाओ कहता है, क्या तुम मुझे अब भी टेस्ट करने वाले हो? लगता है कि तुम इस तरीके से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। और फिर स्काई ड्रीम कहता है, क्या सच में तुम्हें रेस्ट की जरूरत है? क्या तुम भूल गए हो कि हम यहाँ पर किस लिए आए थे? इस बात को सुनकर हुआ युहाओ उठते हुए कहता है, मेरी सेकंड सोल रिंग को लेने के लिए। तो स्काई ड्रीम कहता है, तो वो हमें अभी करना चाहिए क्योंकि हम और ज्यादा टाइम डिले नहीं कर सकते हैं और यही हमारे लिए सेफ रहेगा क्योंकि आइस एम्परर एक 3,99,900 ईयर्स ओल्ड स्पिरिट बीस्ट है, तो वो अपनी लिमिट्स तक पहुंच रही है, इसलिए तुम्हें उसकी स्पिरिट रिंग को अब्सॉर्ब करना होगा और वही यह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होगा और तुम्हें इसे हर कीमत पर सहना होगा। और यह समझ लो कि अगर तुम फेल हो जाते हो तो हम तीनों ही खत्म हो जाएंगे। और फिर हुआ युहाओ कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, और क्या आइस एम्परर मेरी स्पिरिट बनेगी? तो स्काई ड्रीम कहता है, इस चीज को तुम मुझ पर छोड़ दो और तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम बस अपनी आंखें खोल के देखो कि तुम्हारा बिग ब्रदर कैसे चीजों को संभालता है। जिसके बाद स्काई ड्रीम आइस एम्परर के पास जाके उससे कहता है, आइस एम्परर, लड़ो मत, जैसा कि तुम देख सकती हो तुम बच के नहीं जा सकती हो, इसलिए शांत हो जाओ जिससे कि हम बात कर सके। और फिर आइस एम्परर कहती है, एसीबी क्या बात करनी है और तुम जैसा निकम्मा क्या चाहता है? इधर इस बात को सुनकर स्काई ड्रीम थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम्हारा रेस्पॉन्स वैसा ही निकला, मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो इस पर आइस एम्परर कहती है, क्या यही तरीका है तुम्हारा प्यार दिखाने का? और तुमने तो मुझे यहाँ पर ट्रैप कर रखा है और तुम्हें किस चीज का डर है और क्यों तुम यहाँ पर अपनी रियल बॉडी के साथ नहीं आए हो? और फिर स्काई ड्रीम कहता है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन बात बस इतनी सी है कि मेरी बॉडी अब इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है और मेरी सिर्फ स्पिरिट फॉर्म ही रह गई है और अगर यह नहीं होता तो मैं तुम्हें रोक नहीं पाता। जैसे ही आइस एम्परर स्काई ड्रीम के बॉडी के बारे में सुनती है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाती है और यह कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी और सोल इस लड़के के अंदर है? इधर हुआ युहाओ इनकी बात को सुनकर मन में कहता है, क्या यह मेरे बारे में बात कर रही है? जिस पर स्काई ड्रीम हाँ कहता है। तो आइस एम्परर कहती है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, एक बार ही देख तो ये लड़का कितना ज्यादा कमजोर है और क्या ये तुम्हारा मास्टर बनने के भी काबिल है? तो इस पर स्काई ड्रीम कहता है, नहीं, यह मेरा होस्ट है और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह मेरा मास्टर है। इनकी बात को सुनकर हुआ युहाओ कहता है, मैंने भी वो सुना है, तो तुम्हें बात को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर स्काई ड्रीम कहता है, मैं इस लड़के की स्पिरिट रिंग बना और वही इतिहास में मैं फर्स्ट मेंटल स्पिरिट रिंग हूँ। इधर रिंग के बारे में सुनते ही आइस एम्परर चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वैसे तो तुम निकम्मे हो लेकिन तब भी तुम काफी लंबे समय तक जिए हो, तो ये कमजोर लड़का तुम्हारी पावर के सामने कैसे टिक पाया? और फिर स्काई ड्रीम अपना माथा पकड़ते हुए कहता है, इस बारे में तो बात ही मत करो क्योंकि जब से मैं तुमसे मिल रहा हूँ तब से ही मैं तुम्हें इस बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं स्काई ड्रीम अपनी पिछले 1,00,000 सालों की दुख भरी कहानी को सुनाने लगता है और फिर आइस एम्परर कहती है कि अपने आप को उदास करना बंद करो। जिसके बाद स्काई ड्रीम काफी ज्यादा डरे हुए लुक के साथ कहता है, तुम तो जानती ही होंगी ना कि लाइफ लिमिट हमारे प्रत्येक इतनी ज्यादा डरावनी है और उस समय मेरी पावर पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और मुझे विश्वास नहीं था कि हम दोबारा इससे गुजर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस फीलिंग को जरूर समझोगी कि हम कितने सदर लंबे समय तक पहले ही जी चुके हैं और हम इस तरीके से मरना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं एक प्लान के बारे में सोचने लगा और मेरे लाखों सालों के ज्ञान के साथ मैंने एक प्लान के बारे में सोचा। इस चीज को सुनते ही आइस एम्परर इसके प्लान के बारे में पूछने लगती है तो स्काई ड्रीम कहता है, मैं इसे कैसे कहूं और तुम्हें देखे बात करना काफी ज्यादा अजीब है, तो क्या तुम अपनी स्पिरिट फॉर्म को दिखा सकती हो? क्योंकि अच्छा नहीं लगता है अगर मैं तुमसे फेस टू फेस बात नहीं कर सकता हूं। और आइस एम्परर इसकी बात को सुन के मन में गुस्सा होते हुए कहती है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा अनोइंग है
लेकिन मैं सच में जानना चाहती हूँ कि इस डूम्स में से कैसे बचा जा सकता है। चलो ठीक है, वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि यह कुछ करेगा, बस यह इसका ट्रैप नहीं होना चाहिए। जिसके बाद आइस एम्परर उस गोल्डन मिस्ट से बाहर आते हुए कहती है, चलो ठीक है मैं आती हूँ, वैसे भी मैं तुमसे डरती थोड़ी ना हूँ। और हम देखते हैं कि स्काई ड्रीम इसी चीज का इंतजार कर रहा होता है, और इस तरफ आइस एम्परर बाहर आते ही अपनी स्पिरिट फॉर्म लेने लगती है, और यह वाकई में स्पिरिट फॉर्म में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। और यह अपने एटीट्यूड के साथ कहती है, ठीक है निकम्मे, अब जल्दी से मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में बताओ। और इस तरफ इसका स्काई ड्रीम इसकी सुंदरता को देखकर बवाल हो जाता है और इसके ऊपर लपकने के लिए आने लगता है और कहता है कि मेरी लिटिल बेबी, तुम सच में काफी ज्यादा सुंदर हो, जल्दी से आके मुझे गले से लगा लो। और आइस एम्परर गुस्से से कहती है, तुम अपने गंदे से चेहरे को मुझसे दूर रखो। इधर स्काई ड्रीम और भी ज्यादा खुश होने लगता है और यह कहता है, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है तुमसे पिटके, और आखिरकार अब मैं तुम्हें फेस टू फेस देख पा रहा हूँ। और इस तरफ आइस एम्परर काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए कहती है, मुझे लगने लगा है कि मैंने बाहर आकर गलती कर दी है। और इस तरफ स्काई ड्रीम आइस एम्परर की टेल से चिपकते हुए कहता है, बिंग बिंग की टेल तो कितनी ज्यादा कूल है, मैं सच में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर आइस एम्परर कहती है, टियांग मिंग बताना है तो जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें इस चीज के परिणाम भुगतने होंगे। और स्काई ड्रीम काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, जब तक कि तुम खुश हो तब तक सब कुछ चलता है, और तुम जो चाहो वो कर सकती हो मेरे साथ, मुझे सच में किसी भी चीज से दिक्कत नहीं है। और स्काई ड्रीम के इस ड्रामा को देख के हुआ युहाव भी थोड़ा चौंक गया होता है और यह कहता है कि ड्रीम ब्रदर, क्या यही तुम्हारा प्लान था? और इस तरह आइस एम्परर कहती है, ये कितना ज्यादा अननोइंग है, अब मैं इस इमोल्यूशन को और ज्यादा नहीं ले सकती हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इसे जाता देख स्काई ड्रीम के तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह चिल्लाते हुए कहता है, रुको मैं गलत था, प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी के अभी सब कुछ बताऊंगा। और इसकी बात को सुनते ही आइस एम्परर रुक जाती है और इसकी तरफ देखने लगती है। और स्काई ड्रीम काफी ज्यादा सीरियस होते हुए सोच विचार करते हुए कहता है, अंत में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मुझे मिला और वो ये है कि गॉड को बनाया जाए। और गॉड के बारे में सुनते ही आइस एम्परर भी चौंक जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पर एंड होता जाता है। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा।